हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉम्ब। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने IQ Z7S के फ़ोन में 5G इंटरनेट सेटिंग कैसे करेंगे, जिससे आपको 4G नेटवर्क नहीं बल्कि 5G नेटवर्क मिलेगा और आप अपने घर बैठे यहाँ पर 5G नेटवर्क को ऑन करके 5G इंटरनेट कनेक्शन चला सकते हो। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कैसे आपको करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में आ जाइए, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट नाम से ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर कुछ ऑप्शन अलग हो तो आगे दूसरा तरीका बताएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, सर्च करके भी आ जाएंगे। और इसके बाद सिम का ऑप्शन है, आप सिम पर क्लिक करते हो। आप जो है मोबाइल नेटवर्क को स्लाइड करके जो मोबाइल डाटा ऑन करते हो उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा परफेक्ट नेटवर्क टाइप का, आप जब परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी 4G पर सेट रहता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और 5G का ऑप्शन है, 5G पर आपको सेट कर देना है। अगर आप यहाँ पे 5G कर देते हो, अगर आपके फ़ोन में 5G यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये है जो आप सिम यूज कर रहे हैं उसका नेटवर्क 5G नेटवर्क आपके एरिया में नहीं है। तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो या कस्टमर केयर से बात करके पूछ सकते हो कि आपके एरिया में जो सिम आप यूज कर रहे हैं उसका 5G नेटवर्क है या नहीं है। अगर रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 5G कनेक्शन आपके फ़ोन में हो जाएगा और 5G इंटरनेट चलने लगेगा। आप बहुत सी वेबसाइट है NPERAF.com, इस पे आके विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क है या नहीं है।